Alhamdulillahi Rabbil Alamin, As-salatu was-salamu ala Rasulihil Kareem. As-salamu alaykum, Nazir-in-Ikram. Aaj ka theme hai Quran and Geology aur topic hai Pangea, the supercontinent. Yani hamari Earth par ek daur aisa bhi guzra hai ki sare continents pehle ek land the, single land the, aur phir waqt ke saath saath wo bikhre aur itne sare continents aaj maujood hain. Topics covered इस तरह से हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर पैंजिया, उसका इंट्रोडक्शन देते हुए उसका फॉर्मेशन समझाएंगे कि पहले वो फॉर्म हुआ कैसे और फिर उसका स्प्रेड कैसे हुआ और कैसा ये आज इतने सारे कॉन्टिनेंट्स फॉर्म कर गया. कुरान और साथ में अहादीस भी देखेंगे और फाइनल वर्ड के साथ अपनी बात का इख्तिताम करेंगे. सबसे पहले अर्ज के सिलसिले में हम मुख्तसरन बताना चाहेंगे कि कुरान में लफ्ज़ अर्स कई मानों में इस्तेमाल हुआ है. प्लानट अर्थ को भी अल्लाह ने अर्स कहा, दूसरे प्लानट्स को भी अल्लाह ने अर्ज ही कहा, कॉन्टीनेंट्स को भी अल्लाह ताला अर्ज ही कहते हैं. लैंड या सॉइल जिस पर हम चलते फिरते हैं उसको भी अल्लाह ताला अर्स कहते हैं और सी बेड या सी फ्लोर को भी अल्लाह ताला अर्ज ही कहते हैं. तो ये बात जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं. दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल्स हम बताते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे. एक तो मैंने पहले भी बताया है कि डाइवर्जेंस किसको कहते हैं. आपको हम बता चुके हैं कि ज़मीन के अंदर आज भी मैग्मा मौजूद है जो लावा की शक्ल में ऊपर आता रहता है और जहाँ से ऊपर आता है इसको डाइवर्जिंग पॉइंट कहते हैं. लावा जब बाहर आता है तो ओशनिक क्रस्ट फॉर्म करता है और यही लावा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फॉर्मेशन का भी ज़िम्मेदार है. इसकी तफसील हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं. अब देखते हैं कन्वर्जिंग पॉइंट. यहाँ देखें राइट पर ओशनिक क्रस्ट वक्त के साथ साथ पुराना होता जाता है और ज़मीन के अंदर कन्वेक्शन प्रोसेस होने के सबब ओल्ड क्रस्ट जो है वो वापस मैग्मा में चला जाता है और मैग्मा का हिस्सा बन जाता है. इसको कहते हैं कन्वर्जिंग प्रोसेस और ऐसी जगह को ट्रेंच कहेंगे और ऐसी जगह को जो लेफ्ट पे है इसको डाइवर्जिंग रिज कहते हैं. मुख्तसरन हम इस बात को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे कि लैंड फॉर्म दरअसल कैसे हुई. मैग्मा कन्वेक्शन के सबब ऊपर आ रहा है और लावा की शक्ल में ऊपर फैलता जा रहा है जिसको हम वॉल्केनिक एरप्शन कहते हैं. वक्त के साथ साथ इतना ज़्यादा और इतना ऊँचा होता है कि समंदर के ऊपर से ये आइलैंड की शक्ल में नज़र आने लगता है और काफ़ी मिलियन साल गुजरने के साथ साथ ये कई आइलैंड्स मिलकर लैंड फॉर्म करते हैं. ये जहन में रखें. अब देखते हैं क्रेटॉन्स किसको कहते हैं. दरअसल जब लैंड फॉर्म होती है तो डाइवर्जिंग रिजेस और ट्रेंचेस के सबब कई मर्तबा फॉर्म लैंड या तो बर्बाद होकर वापस मैग्मा में चली जाती है या कभी कायम रहती है क्योंकि ये प्रोसेस कई मिलियन साल होता रहा. छोटे छोटे लैंड्स जिसको उस दौर के कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है फॉर्म होते रहे, मर्ज होते रहे, रिफ्ट होते रहे यानी फटते रहे, लेकिन उन लैंड्स या उन कॉन्टिनेंट्स के कुछ हिस्से मजबूती से कायम रह गए. तमाम हालात को, तमाम क्लाइमेटिक कंडीशंस को वो सह गए. तो ऐसे छोटे छोटे लैंड्स को क्रेटॉन्स कहते हैं. वक्त के साथ साथ क्रेटॉन्स बढ़ते चले गए, उनका एरिया बढ़ता चला गया और फिर ये आपस में जुड़ गए. ये आज के दौर का मैप है. यहाँ ये मैप मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि हमको अंदाज़ा हो कि क्रेटॉन्स किस कदर टोटल लैंड एरिया का हिस्सा बनते हैं. जितना भी पर्पल कलर आपको नज़र आ रहा है ये सारे कॉन्टिनेंट्स पे मौजूद क्रेटॉन्स का एरिया है जो ज़माने कदीम में बने थे और वक्त के साथ साथ आपस में जुड़ते चले गए. इस तरह से छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स पहले फॉर्म हुए और फिर वो आपस में जुड़कर एक लैंड बनाए थे. बाद में सेवन कॉन्टिनेंट्स बने, हम उसका डिस्क्रिप्शन अलग से करेंगे. पहले ये देखते हैं कि पैंजिया किसको कहा जाता है और वो फॉर्म कैसे हुआ है. जैसा मैंने अभी बताया कि सारे क्रेटॉन्स छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स फॉर्म करें और छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स आपस में मर्ज होकर बड़े कॉन्टिनेंट्स बनाए और सारे बड़े कॉन्टिनेंट्स फिर आपस में मर्ज होकर एक पैंजिया बनाए. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रेटॉन्स ज्वाइन टू फॉर्म पैंजिया, यानी इनिशियली क्रेटॉन्स ज्वाइन होकर छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स फॉर्म करें और फिर वो छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स बड़े कॉन्टिनेंट्स फॉर्म करें और वो बड़े कॉन्टिनेंट्स आपस में मर्ज होकर एक सिंगल लैंड फॉर्म करें जिसको पैंजिया
नाम दिया गया। यहाँ देखिए पैंजिया कि मैंने शक्ल बताई है राइट साइड पर। कई मिलियन साल पहले सारे लैंड्स मिलकर एक सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टिनेंट बनाए जिसको सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया और जियोलॉजिस्ट ने इसको पैंजिया कहा। और ये जो लैंड थी टोटल पैंजिया की ज़मीन के सरफेस का 1/3 थी और तकरीबन सारे कॉन्टिनेंट्स इसी में जुड़े हुए थे। बाद में वो अलग होना शुरू हुए। छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स मिलके जो पैंजिया बना वो मिलके पैंजिया बनने का प्रोसेस 300 मिलियन ईयर्स पहले हुआ और 270 मिलियन ईयर्स पहले पैंजिया कंप्लीट फॉर्म हो गया। द वर्ड पैंजिया इज एन एंशियंट ग्रीक वर्ड मीनिंग ऑल लैंड्स। पैंजिया एक ग्रीक वर्ड है और इसके लफ्जी माने इसका सिनोनिम है ऑल लैंड्स, क्योंकि सारे लैंड्स मिलकर एक बहुत बड़ा लैंड बन गया इसीलिए उसको पैंजिया का नाम दिया गया। अल्फ्रेड विजिनर वो पहला साइंसदान है जिसने इस सिंगल लैंड को पैंजिया का नाम दिया। यह अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ। अल्फ्रेड विजिनर ने नोटिस किया कि सारे कॉन्टिनेंट्स वर्ल्ड मैप में अगर फिट करें आपस में एक दूसरे को जुड़ाने की कोशिश करें तो वो जुड़ जाते हैं और एक सिंगल लैंड बनती है। ये डिस्कवरी ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले विजनर ने किया था। इसकी बुनियाद पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक थियोरी को जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ताकि समझाएं कि कॉन्टिनेंट्स के शेप्स और पोजीशंस कैसे होते हैं। ये थियोरी आगे चलकर मजीद इवॉल्व हुई और प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाई। इंशाल्लाह हम इस थियोरी को यानी थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को आगे समझाएंगे। यह हम देख रहे हैं कि जब पैंजिया फॉर्म हो रहा था तो कितने कॉन्टिनेंट्स बेसिकली कितने लैंड्स कहना चाहिए ज्वाइन हुए और पैंजिया बनाए। यहाँ देखे दो लैंड्स को बेसिकली बताया जा रहा है, एक है गोंडवाना लैंड और एक है लॉरेजिया। गोंडवाना लैंड जो है ये कई कॉन्टिनेंट्स का मजमुआ थी, यानी ये सारे कॉन्टिनेंट्स पहले ज्वाइन हुए गोंडवाना बने और फिर ये लॉरेजिया भी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स का एक मजमुआ था, यानी ये दो बड़े लैंड्स मर्ज हुए और एक पैंजिया फॉर्म हुआ। और ये जो गोंडवाना है ये बहुत पहले से एग्जिस्टिंग था, आज से तकरीबन 550 मिलियन साल पहले गोंडवाना फॉर्म हुआ है जो बाद में चलकर इतने कॉन्टिनेंट्स में टूट गया बिखर गया। बहरहाल जब गोंडवाना फॉर्म हुआ तो वो लॉरेजिया से आकर जुड़ गया, मर्ज हो गया। लॉरेजिया भी फॉर्म होकर कई मिलियन साल हो चुके थे। ये दोनों मर्ज हुए और आज से 300 साल पहले एक सिंगल कॉन्टिनेंट फॉर्म हुआ, सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया। इस थियरी को अल्फ्रेड विजनर ने दिया जिनका जिक्र मैं अभी कर रही थी। सारे कॉन्टिनेंट्स को उन्होंने जुड़ाया और एक कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, वो सब एक लैंड मास का हिस्सा है। इस बात को उन्होंने साबित करने की कोशिश की, या यूं कहें कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पैंजिया है इसको प्रपोज किया विजनर ने। और जब पैंजिया फॉर्म हुआ तो एक वक्त पर वो टूटा बिखरा और बिखरते बिखरते आज के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो फॉर्म हो गए। ये देखते हैं पैंजिया, देखें कैसा टूट रहा है बीच में से टूटा तो गोंडवाना अलग हो गया, लॉरेजिया ऊपर चला गया। देखें ये पैंजिया है, ये गोंडवाना है, ऊपर लॉरेजिया था, फिर ऊपर का हिस्सा मजीद टूट रहा है और फिर नीचे का हिस्सा भी मजीद टूट रहा है। इस तरह से वक्त के साथ साथ 7 कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। नीचे देखें आप, उनका ड्यूरेशन भी बताया जा रहा है कि वो कब टूटना शुरू हुआ और वक्त के साथ साथ उनका बिखराव, उनका डिस्ट्रीब्यूशन या उनका स्प्रेड कैसा प्रोग्रेस किया। यहाँ देखें गोंडवाना ग्रेजुअली ब्रोक अप ड्यूरिंग 252 to 256 मिलियन ईयर्स बैक। ये ड्यूरेशन बता रहा है कि गोंडवाना और पैंजिया जो है वो ब्रोकअप हुए और उसका ड्यूरेशन देखें 252 मिलियन ईयर्स बैक उसका ब्रेकिंग शुरू हुआ, स्प्लिटिंग शुरू हुआ और 56 मिलियन ईयर्स बैक तक ये प्रोसेस चलता रहा। लेकिन 135 मिलियन ईयर्स बैक पहले पैंजिया दो हिस्सों में, बेसिकली दो बड़े कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ, एक था गोंडवाना और एक था लॉरेजिया। और फिर नीचे देखें 65 मिलियन ईयर्स अगो लॉरेजिया स्प्लिटेड इंटू द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका यूरोप एंड एशिया। लॉरेजिया 3 कॉन्टिनेंट्स में स्प्लिट हुआ, एक है नॉर्थ अमेरिका, एक है यूरोप और एक है एशिया। ये गोंडवाना के बारे में बता रहे हैं, इसी से साउथ अमेरिका फॉर्म हुआ, अफ्रीका फॉर्म हुआ, सऊदी अरेबिया फॉर्म हुआ, इंडिया यहीं से टूटा और ऊपर की जानिब चला गया,
और अंटार्कटिका भी इसी का हिस्सा है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी इसी का हिस्सा है। इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यहाँ पर एक ही स्लाइड में बताया जा रहा है कि 200 मिलियन ईयर्स बैक से थोड़ा पहले वो टूटना शुरू हुए। बेसिकली ऊपर का हिस्सा जिसको लॉरेजिया कह रहे हैं वो अलग हुआ, फिर गोंडवाना नीचे अलग हुआ और नीचे का हिस्सा मज़ीद टूट रहा है, और फिर ऊपर का जो हिस्सा है लॉरेजिया वो भी मज़ीद टूट रहा है। ये 130 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। इस तरह से 70 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, फिर आज क्या है ये बताया जा रहा है। इसकी समरी यहाँ है, द फर्स्ट स्प्लिट बिटवीन नॉर्दर्न हाफ इज नेम्ड लॉरेजिया, यानी ऊपर का जो हिस्सा है वो लॉरेजिया कहलाया, जिसमें तीन कॉन्टिनेंट्स बने, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, और जो साउदर्न हाफ है वो गोंडवाना है, गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स और दूसरे लैंड फॉर्म हुए। इस सिलसिले में मुझे एक हदीस मिली है इनडायरेक्ट सोर्सेज से, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अल्लाह हैड इनिशियली डिवाइडेड द लैंड, जिसको हम आज पांजिया कहते हैं, इनटू टू पार्ट्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो पांजिया था, जो सिंगल लैंड थी, उसको पहले दो हिस्सों में अल्लाह ने तकसीम किया। अभी हम देखें कि एक लॉरेजिया कहलाया जो ऊपर था और एक गोंडवाना कहलाया। ही केप्ट मी इन द बेस्ट पार्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने वो दो हिस्सों में से मुझे बेस्ट पार्ट में रखा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉरेजिया के लैंड पर पैदा हुए। फर्दर दिस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, चूंकि लॉरेजिया तीन कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ, जैसा अभी मैंने बताया, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एशिया में पैदा हुए, सऊदी अरब में पैदा हुए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फर्दर दिस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, यानी लॉरेजिया वॉज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप। ही केप्ट मी इन द बेस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, यानी इन अदर वर्ड्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एशिया इज द बेस्ट पार्ट, चूँकि अल्लाह ताला का घर बैतुल्ला वहीं है, मक्के में है, जो मुकद्दस तरीन मुकाम है इस सरजमीन का। कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है, देखें, वल अर्ज़ वमा तुहाहा बाय द अर्थ एंड हिम हु स्ट्रेच्ड इट फोर्थ, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं जमीन की और उसकी जिसने उसको स्ट्रेच किया, यानी सारी जमीन, सारी लैंड एक जगह थी, अल्लाह ने उसको स्ट्रेच किया, बिखराया, सेपरेट किया। याद रखें अल्लाह ताला कॉन्टिनेंट्स के लिए भी लफ्ज़ अर्ज़ ही इस्तेमाल करता है, पांजिया के भी लिए लफ्ज़ अर्ज़ ही इस्तेमाल करता है, जैसा मैंने शुरू में बताया। दूसरी आयत देखें, वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा एंड आफ्टर दैट ही स्प्रेड द अर्थ, यहाँ पे भी लफ्ज़ दहाहा है, दहाहा के कई माने हैं और एक माने हैं स्प्रेड करना, फैलाना, बिखराना। हम देख रहे हैं इस तस्वीर में कि अल्लाह ताला कैसे कॉन्टिनेंट्स को बिखराया, फैलाया और फिर आज के 7 कॉन्टिनेंट्स को बनाया। याद रखें कि 7 कॉन्टिनेंट्स आज भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और वो क़यामत तक एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे। और एक आयत देखें यहाँ, वल्लाहु जाअला लकुमुल अर्ज़ बिसाता एंड अल्लाह हैज़ मेड द अर्थ अ वाइड एक्सपेंस फॉर यू, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिसात बनाया। बिसाता का क्या माने हैं, इसकी तशरीह के लिए मैंने इसका रूट वर्ड लिया, बासिन तो से है रूट वर्ड, और फिर यही वर्ड रखने वाली एक आयत को आपके सामने रखा ताकि इस लफ्ज़ के माने समझ में आए। आयत का एक हिस्सा मैंने यहाँ पर कोट किया, वल मलाइकतु बासितु अईदीहिम अखरिजू अंफुसकुमुल यौम व्हाइल द एंजल्स आर स्ट्रेचिंग फॉर देयर हैंड सेइंग डिलीवर योर सोल्स। ये उस वक्त का जिक्र है जब गुनाहगारों के पास फरिश्ते आते हैं उनकी रूह कब्ज करने के लिए, अपने हाथ फैलाकर उनसे कहते हैं कि तुम अपनी रूहों को निकालो। यहाँ पर बासितु के माने हैं फैलाने के, स्ट्रेच करने के। ऊपर की आयत में भी अल्लाह ताला ने जमीन के बिछाने को, फैलाने को लफ्ज़ बिसाता इस्तेमाल किया है, यानी उसने कॉन्टिनेंट्स को बिखराया, फैलाया, स्ट्रेच किया। यहाँ पर एक्सपेंशन या डिवीज़न ऑफ पांजिया के सिलसिले में मैंने एक और आयत कोट की है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी मदल अर्ज़ा वजअला फ़ीहा रवासिया व अनहार, और उसी ने ज़मीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और दरिया बनाए। एंड इट इज़ ही हु स्प्रेड आउट द अर्थ, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के मानों में है, एंड सेट देयर ऑन माउंटेन्स स्टैंडिंग फॉर्म। अल्लाह ताला साफ अल्फाज में कहते हैं कि मैंने ज़मीन को फैलाया, लफ्जी माने हैं ढील देना, जैसे कि सारे कॉन्टिनेंट्स किसी रस्सी से बंधे हुए थे, एक जगह थे, जब रस्सी खोल दी गई है, देखें आप राइट साइड एनिमेशन में, वो ऐसे फैल गए जैसे कि उनकी रस्सी खोली गई है और वो फैल रहे हैं मजीद। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं, ये है वर्ल्ड मैप। अगर हम
एक लकीर हॉरिजॉन्टल ले और एक लकीर वर्टिकल खींचे ताकि वर्ल्ड मैप को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हाफ ऑफ डिवाइड करें, तो हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ वर्ल्ड मैप पर काबा आता है। काबा इज एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी अल्लाह ताला ने कॉन्टिनेंट्स को इस तरह से बनाया, इस तरह से बिखराया, इस तरह से वर्ल्ड मैप का नक्शा खींचा अल्लाह ने कि उसका घर इस मैप के सेंटर पे आ गया, ताकि सारी दुनिया के लोगों को अल्लाह के घर का तवाफ करना इक्वलेंट डिस्टेंस पे लगे, यानी तमाम दुनिया के लोगों को अल्लाह का घर मरकज़ में नज़र आए, ताकि उनकी इबादत उनके लिए मुश्किल ना हो। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम सारी दुनिया के लिए आया है। कुरान के जामे अल्फाज पर हम थोड़ा गौर करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ देखें, कुरान का लफ्ज़ अर्ज जो है प्लानट अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है, और जब मदल अर्ज़ आता है तो इसके माने होते हैं एक्सपेंडेड दी वॉल्यूम ऑफ दी अर्थ, यानी अर्थ पहले छोटे वॉल्यूम की थी, अल्लाह ने उसको फैलाया, बड़ा किया। इसी तरह से लफ्ज़ अर्ज अदर प्लानट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। वैसे अल्लाह ने अदर प्लानट्स के बारे में, उनके फॉर्मेशन के बारे में तो जिक्र नहीं किया। थर्ड देखें, लफ्ज़ अर्ज के माने हैं लैंड या सॉइल के, इसके लिए अल्लाह ताला मदल अर्ज इस्तेमाल करता है। माने ये होंगे कि उसने ज़मीन को बिछाया, ही हैज़ स्प्रेड द लैंड। लफ्ज़ अर्ज उसने सी फ्लोर के लिए भी इस्तेमाल किया है, तो वहाँ मदल अर्जा के माने होंगे स्प्रेड द सी फ्लोर, अल्लाह हैज़ स्प्रेड द सी फ्लोर। आखिर में देखें, लफ्ज़ अर्ज अल्लाह ने कॉन्टिनेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पर मदल अर्जा के माने होंगे ही हैज़ स्ट्रेच्ड एंड स्प्रेड द कॉन्टिनेंट्स, यानी अल्लाह ताला ने जो कुरान में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो जामे हैं, एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं कि वो अल्फाज हमेशा हर दौर के लिहाज से परफेक्टली सूटेबल होते हैं। द फाइनल वर्ड, अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलकल्लाहु समावाति वल अर्ज वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक्की वजलि मुसम्मा वइन्ना कसीरन मिनन नास बिलिक़ा रब्बिहिम लकाफिरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हैव दे नॉट पोंडर्ड अपॉन देमसेल्व्स, क्या उन्होंने अपने नफ्स पर गौर नहीं किया? अल्लाह क्रिएटेड नॉट द हेवंस एंड द अर्थ एंड दैट व्हिच इज बिटवीन देम सेव इट्स ट्रुथ एंड फॉर अ डेस्टिनड एंड। अल्लाह ताला ने जो आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच बनाया वो सब हक के साथ बनाया और एक वक्त मुकर्रर के लिए बनाया। बट ट्रूली मैनी ऑफ मैनकाइंड आर डिसबिलीवर्स इन द मीटिंग विद देयर लॉर्ड, यानि लोग उन चीज़ों से सबक लेने के बजाय अंधे बनकर इसलिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चूँकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कसीर तदाद लोगों की ऐसी है जो अपने रब से, अपने रब की मुलाकात से कुफ्र करते हैं। यानि अगर लोगों को अल्लाह से मिलने का यकीन होता तो इतनी सारी निशानियों पर ज़रूर गौर व फिक्र करते। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.